मौलाना मौदूदी 25 सितंबर 1903 को औरंगाबाद दक्कन में पैदा हुए और सैयद अहमद हसन के 5 बच्चों में सबसे छोटे थे। मौलाना ने एक काबिले फ़ख्र विरसा का दावा किया। वो चिश्ती सूफी हुक्म की नुमाया शाखों में से एक से ताल्लुक रखते थे और एक बार अपने सिलसिला नसब के बारे में लिखा था कि मैं ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक रखता हूँ जिसकी रहनुमाई इरफान और तसव्वुफ़ की 1300 साल तारीख है। मौलाना के सिलसिला नसब का बराह रास्त ताल्लुक ख्वाजा कुतुबुद्दीन मौजूद हिंदुस्तान के तमाम चिश्ती अहकामात के शेख शुयूख से जा मिलता था। मौलाना के वालिद सैयद अहमद हसन, जो शहर के मशहूर मारूफ साहबे इलम और परहेजगार इंसान थे, उन पर बहुत असर था। मौलाना ने अपने वालिद के बारे में कहा कि एक साल बाद में पैदा हुआ, मेरे वालिद ने दुनिया से किनारा कशी इख्तियार की और 3 साल तक एक सन्यासी की तरह जिंदगी गुजारी। बाद में अगरचे वो दुनिया में वापस आ गए, लेकिन ये उनकी पुरानी दुनिया की तरफ वापसी नहीं बल्कि खालस मजहबी की तरफ मुतवज्जो हुए। उनकी जिंदगी में इनकलाब ये था कि मैंने आंखें खोली और अपने हवास हासिल किए, मैंने अपने आप को मजहबी माहौल में पाया। मेरे वालिद और वालिदा की ज़िंदगी का रंग बहुत दूर था, उनकी मिसाल और परवरिश ने मेरे दिलो दिमाग पर मजहबी जोश व खरोश से नक्श कर दिया। एक और मौका पर मौलाना ने फ़क्रिया अंदाज में कहा कि मेरे वालिद ने मुझे कोई दुनियावी नसीब नहीं छोड़ा, बल्कि ये उनकी इखलाकी इकदार पर मबनी परवरिश थी जो मुझे नसीब हुई। मौलाना की वालदा रुकैया बेगम, जो कि तुर्क नजात थी, शराफत का निशान रखती थी। वो औरंगजेब के दौर में हिंदुस्तान हिजरत कर गए थे। मौलाना को अपनी शानदार रिवायत और अपने मादरी खानदान के बुजुर्गाना विरसे पर बहुत फख्र था। अहमद हसन खुद एक पढ़े लिखे आदमी थे, इसलिए अपने बच्चों की तालीम में बहुत दिलचस्पी लेते थे। मौलाना घर में पढ़े हुए थे, उनके पहले उस्ताद उनके वालिद थे। उनके वालिद हमेशा चाहते थे कि वो एक आलम दीन बने। मौलाना को इब्तदाई तौर पर उर्दू, फारसी, अरबी, मंतक, लड़ाई और हदीस की तालीम अपने घर पर ही दी जाती थी। तालीम में अखलाकियात और मुनासिब रवैये पर उनके वालिद ने जोर दिया। हर रात उनके वालिद अपने बच्चों को अजीम इंसानों और इस्लाम की शानदार तारीख की कहानियां सुनाते थे। मौलाना ने सोने के वक्त की इन कहानियों के बारे में लिखा कि इन दिलचस्प कहानियों ने मेरे जहन को मजहब के लिए गहरे जज्बे से भर दिया। अहमद के बच्चों के लहजे और तकरीर पर खुसूसी तवज्जो दी गई। मौलाना ने कहा कि मैं दक्कन में 20 साल तक एक भी मकामी तलफ्फुज इख्तियार किए बगैर रहा और खालिस उर्दू में बात करता रहा। अगर मेरे वालिद हम में से किसी को कोई गलत लफ्ज कहते या गलत बोलते हुए सुनते तो वो हमें रोक देते और हमारी इस्लाह करते। मौलाना ने 1914 में 11 साल की उम्र में मदरसा फौकानिया औरंगाबाद में 8वीं जमात में दाखिला लिया। उन्होंने अपनी कामयाबी के बारे में याद करते हुए कहा कि इस अरसे के दौरान मेरे भाई ने मुझे कासिम अमीन मॉडर्न वुमन का अरबी से उर्दू में तर्जमा करने की तरकीब दी। खुदा जाने आज इस तर्जमे के सफहात कहाँ हैं, लेकिन मुझे याद है कि इस तर्जमे की वाजहियत ने मेरे वालिद को खुश कर दिया। ये मेरा पहला काम था। 1914 में मौलाना ने मौलवी का इम्तिहान पास किया। 1915 में मौलाना हमीदुद्दीन फराबी के दारुल उलूम में दाखिला लेने हैदराबाद गए, लेकिन वालिद की बीमारी की वजह से वहाँ सिर्फ 6 माह कयाम किया। उन्होंने अपने वालिद और ख़ानदान की बिगड़ती हुई माली हालत की देखभाल के लिए भोपाल के लिए हैदराबाद छोड़ दिया। इन हालात ने मौलाना को महज 15 साल की उम्र में सहाफत के पेशे से मुंसलिक होने पर मजबूर कर दिया। पहले मदीना अखबार से मुंसलिक हुए, लेकिन इसके बंद होने के फौरन बाद मौलाना दिल्ली चले गए और जमीयतुल उलमाए हिंद, मुस्लिम और अलजामिया से वाबस्ता
दो अखबारात के इदारती अमले में खिदमत अंजाम दी। ये अल जामिया था जिसके वो बाद में मदीर बने। इन जरायत के साथ काम करने से मौलाना को जमीयत उलमाए हिंद की बुलंद पाया इस्लामी शख्सियात की सोहबत में वक्त गुजारने का मौका मिला। इन्हीं के असर से मौलाना ने 1921 में अपनी तालीम दोबारा शुरू करने का फैसला किया। अरबी, तफसीर, हदीस, फिक्र, मंतक और फलसफे में इन्होंने काबिलियत हासिल करने की कोशिश की। मौलाना ने अरबी और दरस निज़ामी की तालीम मुमताज आलम दीन मौलाना अब्दुस्सलाम नियाजी से हासिल की। बहुत से लोग नहीं जानते कि इस दौरान उन्होंने बर्क या खरोबा, बिजली या बिजली के उन्वान से एक मजमून लिखा। बर्क बिजली का जदीद लफ्ज है जबकि खरोबा पुराने जराए में बिजली के लिए इस्तेमाल होता है। इस मजमून में इसने मगरब के साथ साइंसी मज़ाहर की वजाहत इस लिहाज से की है कि इसे सकाफती जवाज मिलेगा। दिल्ली में सहाफत के करियर के दौरान मौलाना सियासत में सरगर्मे अमल रहे। उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के तहफ्फुज के लिए तहरीक खिलाफत में हिस्सा लिया। उन्होंने जबलपुर में तहरीक खिलाफत को मुनज़्ज़म करने में मदद की जहां वह कुछ अरसा क़याम पज़ीर रहे। उन्होंने मुख्तलिफ जराइद में अंग्रेज़ों के खिलाफ मज़ामीन लिखे। ताज खिलाफत तहरीक का मशहूर हफ्तावार अखबार था। मौलाना बाद में इस अखबार के मदीर रहे। 1920 में मौलाना ने हिजरत की तहरीक में शमूलियत इख्तियार की और ये फैसला इस ख्याल पर किया कि हिंदुस्तान अब दारुल इस्लाम का हिस्सा नहीं है, इसलिए तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों को अफगानिस्तान हिजरत करनी चाहिए। लेकिन जल्द ही इसकी क्यादत से इख्तलाफ की वजह से तहरीक हिजरत से अलहदगी इख्तियार कर ली। पहली जदीद इस्लामी अवामी तहरीक सोसाइटी ऑफ द मुस्लिम ब्रदर्स 1928 में इस्माइलिया मिस्र में वजूद में आई। इसके बानी हसन अल बिना थे। इख्वान अल मुस्लिमीन मौजूदी की तालीमात से वजूद में आई। 1929 में 26 साल की उम्र में मौलाना ने अपनी पहली इल्मी किताब अल जिहाद फिल इस्लाम शाया की। इस किताब में इन्होंने जंग के बारे में इस्लाम, ईसाइत, हिंदू मत, यहूदीत और बुद्ध मत की तालीमात का तज्जिया किया है। उन्होंने साबित किया कि इस्लाम ही वो वाहिद मज़हब है जो जारे के खिलाफ अपने दिफा के वक्त और इंसाफ की जद्दोजहद के हिस्से के तौर पर जिहाद की वकालत करता है। अलामा इकबाल ने जब इस किताब को पढ़ा तो इसे जिहाद के मौजू पर बेहतरीन किताब करार दिया। उन्होंने हर साहिब इलम को मशवरा दिया कि अगर वो जिहाद की इस्लामी तालीमात के बारे में जानना चाहते हैं तो इसे लाजमी पढ़ें। बांग्लादेश के प्रोफेसर गुलाम आजम ने एक बार मौलाना से पूछा कि आपको इस्लाम का वो तसव्वुर कहां से मिलता है जिसकी आप तबलीग करते हैं। मौलाना ने जवाब दिया अल जिहाद फिल इस्लाम से। इसके जवाब पर प्रोफेसर ने हैरान होकर दोबारा पूछा, लेकिन आपने लिखा है? मौलाना ने जवाब दिया कि मैंने ये किताब लिखने के लिए तहकीक की। मैंने कुरान, सुन्नत, माजी और असरी इस्लामी स्कॉलर्स का दस्तयाब लिटरेचर बड़े पैमाने पर पढ़ा है। इस मुताले से मैंने इस्लाम के तसव्वुर को साफ किया। 1932 में मंजर अहसन गिलानी के कहने पर मौलाना ने रिसाला दीनियात लिखा जिसका कई जुबानों में तर्जुमा हुआ और इस वक्त हिंदुस्तान के मुतअद्दद कॉलेजों में दरसी किताब बन गई है। ये मौलाना का एक और बड़ा काम है जो इस्लाम की फितरत, मानी और अहमियत को बयान करता है। इन्होंने इसे सिर्फ 15 दिनों में लिखा। 1933 में मौलाना ने महनामा तर्जमा अल कुरान शुरू किया। इब्तदा में उन्होंने ज्यादातर मजामीन लिखे और इसकी तमाम तर तदवीन खुद की। एक मुसन्नफ ने बजा तौर पर कहा कि तर्जमन ने अपने नजरियात और अपने विजन को नशर करने, जांचने, निखारने और माकूल बनाने के लिए एक जगह दी और इसकी मामूली सब्सक्रिप्शन की फहरिस्त के बावजूद इसे हिंदुस्तान की मुस्लिम कम्युनिटी के रहनुमा के तौर पर पेश किया। जमात इस्लामी की तश्कील में तर्जुमन ने कलीदी किरदार अदा किया। 1933 में अल्लामा इकबाल एक मॉडल दारुल इस्लाम कायम करने का इरादा कर रहे थे जो हिंदुस्तान में इस्लाम के नई आलमी नुक्ता नजर की बुनियाद रखेगा। इकबाल ने एक ऐसे काबिल आदमी की तलाश की जो न सिर्फ दीनी अलूम में बल्कि दुनियावी अलूम में भी माहिर हो। इसके लिए उन्होंने जामे अल अजहर कायरा के डायरेक्टर को खत भी लिखा कि इस काम के लिए ऐसे अलीम को भेजें। लेकिन उन्होंने जवाब दिया, ऐसा आदमी
मौलाना ही थे कि इकबाल ने फिर इस अहम मिशन के लिए मुंतखब किया। दारुल इस्लाम पठानकोट में कायम हुआ। कॉस्मोपॉलिटन शहर हैदराबाद से पठानकोट हिजरत करना कोई आसान फैसला नहीं था। उन्हें उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुलाजमत की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने इस मंसूबे का इंतखाब किया ये जानते हुए कि दारुल इस्लाम एक अहम तारीखी तजर्बा था जो हिंदुस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अहम है। मौलाना ने पठानकोट को हिंदुस्तान में मुसलमानों की नशते सानिया का एहसाबी मरकज करार दिया। दारुल इस्लाम हिंदुस्तान की मुस्लिम कम्युनिटी को अपने कायदीन फराहम करना और एक हकीकी मजहबी तहरीक की बुनियाद के तौर पर काम करना था। उन्होंने दारुल इस्लाम के बारे में अपना नुक्ता नज़र बयान किया और इस वक्त की मजहबी क्यादत से उनकी राय तलब की। मौलाना ने उन्हें भी इस मंसूबे में शामिल होने की दावत दी। बहुत से उलमाए किराम तशरीफ लाए और उनके साथ इस मंसूबे में मसरूफ रहे। इनमें से एक मशहूर इस्लामी मगरबी स्कॉलर मोहम्मद असद भी शामिल थे। इसके बाद मौलाना ने अपने ख्यालात, अपने मंसूबे और लोगों को दारुल इस्लाम में शामिल होने की तरगीब देने के लिए लिटरेचर तैयार करना शुरू किया। ये इशातें हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिम तालीमी इदारों को बाकायदगी से भेजी जाती थी। इस तरह इनके ख्यालात जल्द ही हिंदुस्तानी मुसलमानों के फिक्री हलकों में मशहूर होने लगे। ये पठानकोट में था जहां मौलाना ने अपने मशहूर जुमा के खुतबात को छुपाया और बाद में कई जुबानों में तर्जमा किया। सैयद अबू अल आला मौदूदी के घर का मरकजी दरवाजा A4 जेलदार पार अच्छरा लाहौरिया मंसूबा बाद में लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। वहां लाहौर में मौलाना से कहा गया कि वो इस्लामिया कॉलेज के शोबा इस्लामियात का हिस्सा बने तो बगैर किसी तनख्वाह के रजाकाराना तौर पर 1940 तक 14 माह तक इसमें शामिल रहे। मौलाना अब एक मुस्लिम सियासी तंजीम के क्याम के लिए सरगर्मी से काम करने लगे। इस मकसद के लिए उन्होंने बहुत लिखा और सफर किया, मुस्लिम दानिश्वरों से मुलाकातें की और मुस्लिम तालीमी इदारों में लेक्चर दिए। अगस्त 1941 में बिल आखिर जमात इस्लामी का क्याम अमल में आया जो इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी इस्लामी तंजीम थी। जमात इस्लामी के क्याम के बाद भी तमाम तंजीमी और बाद में सियासी जिम्मेदारियों के साथ मौलाना ने अपनी फिक्री जिंदगी को जारी रखा और मुतअद्दद किताबें लिखी। 1942 में उन्होंने अपनी अजीम तहरीर तफसीरुल कुरान लिखी। इसे मुकम्मल होने में 30 साल लगे और 1972 में ये छपी। मौलाना की तफसीर रवायती इस्लाहात और उसलूब से गुरेज करते हुए सादा जुबान में लिखी गई। इसने फिक्री बहस को इस सतह तक कम कर दिया जहां उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकते थे। इन्होंने मक्की दौर का अहाता करते हुए सीरत नबी की दो जिल्दें भी लिखी। उनकी मौत ने उनकी एक मंसूबा बंद इजाफी दो जिल्दों को लिखने से रोक दिया जिसमें मदीना की पैगम्बर इस्लाम की जिंदगी का अहाता किया गया था। खिलाफत मलुकियत एक किताब है जो अबुल आला मौदूदी ने अक्टूबर 1966 में लिखी थी। इस किताब में उन्होंने जोर दिया कि इलाही कासी से रहनुमाई हासिल करना जो कि सच को हक और बातिल को बातिल के तौर पर पेश करने की जुर्रत रखता है और इन तमाम खूबसूरत झूठों की बसीरत से तरदीद करते हुए बाज़ तारीखी ओहदों को जोड़ने की कोशिश की गई। किताब सही और गलत के दरमियान हद बंदी की एक काबिले फहम लाइन फराहम करती है और खामोश गैर जानबदारी के नज़रिए के मरकजी किरदार की सख्ती से तरदीद करती है। मुस्लिम तारीख के एक मखसूस दौर का मुतालिया करने के लिए तनकीदी तज्जियाती का इस्तेमाल करते हुए मौजूदी तारीखी वाक़ियात को पढ़ने और तर्जमा करने के इल्मी ऑन्टोलॉजिकल जहतों में गहरा गोता लगाते हैं। ये किताब मुतसबाना जहनीत को चैलेंज करती है जिसमें यकीन है कि खामोश गैर जानबदारी किसी भी किस्म के तनाज़ात को हल कर सकती है। इसके बजाय मौजूदी तमाम अकली, इखलाकी और कानूनी यकीन के साथ इस बात पर कायल है कि नाइंसाफी की सूरत में खामोशी का मतलब जालिम के साथ खड़ा होना है। 22 सितंबर 1989 को मौलाना मौदूदी का इंतकाल हुआ। इनकी नमाज जनाजा लाहौर में मशहूर मिस्री इस्लामी स्कॉलर यूसुफ करजावी ने पढ़ाई। उनके ख्यालात ने हमें कभी नहीं छोड़ा, उनकी तहरीरों और अनगिनत लोगों में महफूज किया जिन पर उसने असर किया।
उनकी तहरीरें आज की दुनिया में सेकुलर जदीदियत की उलझनों में लोगों की रहनुमाई कर रही हैं। वो वाकया ही हमारे दौर के मुजद्दिद थे।